प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने एनेक्सी सभागार में नगर निगम एवं डूडा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। एनेक्सी सभागार में आयोजित बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने जनपद की ITSM की प्रस्तुतिकरण को देखा। प्रस्तुतिकरण के दौरान उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों योजनाओं पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ITS की इस DPR में सेफ सिटी के मॉड्यूल को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि नो वेडिंग जोन भी बनाया जाए, साथ ही लोगों के आवागमन हेतु पाथवे का निर्माण प्रस्तावित किया जाए, जिससे लोगों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिल सके। उन्होंने योजना का DPR शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कहा, कैसे रखा है कमिश्नर साहब, व्हाट इज द सर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? और उससे पहले कि राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाए सर, तो दिल्ली को पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सर, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन सर हो जाएगा और उसमें उसके बाद सर ये प्रेजेंटेशन के बाद में सर जैसा आपका निर्देश होगा सर, इसको फाइनलाइज और टाइमलाइन सर फाइनलाइन हो जाएगी। आपको याद रहेगा कि मुझे जल्दी को बुलाया है खासतौर पर, उसके बाद फिर हमारे बैलेंस जो चीज़ें होंगी सर। जो लखनऊ में होगा वो स्टेट आईटीबीसी होगा, जिसमें हम क्लाउड पे डेटा स्टोर करेंगे सर। तो यहाँ पे इतना हमें कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें लोकल की सेंटर पे सर, ये जो दूसरे मॉडल में रखेंगे और हम लॉन्ग टर्म ट्रैफिक प्रिडिक्शन मॉडल भी यूज़ करेंगे एंड रियल टाइम ट्रैफिक इज वेरी। जो हमारा ATCS का सोल्यूशन होगा सर, उसमें एक व्हीकल डिटेक्शन कैमरा लगेगा जो स्टॉप लाइन पर डिटेक्ट करेगा कि कितनी व्हीकल्स है, वो रियल टाइम डेटा भी मिलेगा सर हमें। जो हम 5 to 6 मंथ्स का जो हमारे पास डेटा है मंथ वाइज, वो डेटा भी यूज़ करेंगे और लॉन्ग टर्म डेटा भी 2-3 ईयर्स का, वो भी हम यूज़ करेंगे सर। सर हियर व्हाट वी वांट टू इंटेंड सर, आज की डेट में अगर हम देखते हैं होली दिवाली दशहरा सर, उस टाइम हमारा ट्रैफिक कैसा है, व्हाट इज द ट्रैफिक प्रोसेस सर? अगर हम 2 साल का देखें, वी कैन थिंक कि इस दिन पे हमें यह ट्रैफिक यहाँ से मूव करवाना चाहिए या ऐसे इन महाराष्ट्र सर, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मॉर्निंग्स एक लेन दो लेन से दो लेन होती है, दो रोड से एक को आधा बंद किया जाता है, उधर से ट्रैफिक फ्लो करते हैं एंड इन द इवनिंग इट वॉज रिवर्स साइड सर। वी कैन डू दैट मॉड्यूलेशन एज ऑफ विद दिस VMS की बात कर ली। हमारा थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव है एनफोर्समेंट करना। एनफोर्समेंट हम कैसे करेंगे सर? एक रेड लाइट वायलेशन का हम सिस्टम लगाएंगे, स्टॉप लाइन डिटेक्शन, वो भी इस सॉल्यूशन का पार्ट होगा सर। हमारे कंपोनेंट्स है एक अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो ट्रैफिक सिग्नलिंग का स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम है। आप करेंटली जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, जो हमारे नॉन रेड लाइट है वहाँ पे 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी है सर, दिस विल ऑटोमेटिकली स्टॉप द ए लाइन, उसको रेड कर देगा और बी लाइन के जो ट्रैफिक पे जो स्टैंड पे है उनको निकाल लेगा, क्योंकि ए लाइन पे सर ठीक है। हाँ जी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास आए हुए हैं रजनीश दुबे जी, पूरे डिटेल में सुबह 9:30 बजे से लेकर अब तक का डिटेल में बात किए थे। उसमें विभिन्न मुद्दे से जो गोरखपुर में कितने कितने परियोजना है, खासतौर पे जो सीवरेज का, पानी का और नगर निगम का, जो नगर निकाय का कितने काम है, उस पर तमाम योजना चल रही है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर स्वनिधि योजना है, और सभी योजना का चर्चा किए थे, उसी पर मार्गदर्शन दिए थे और कितने योजना विलम्ब से चल रहा है खासतौर पर
पे जो सीवरेज योजना विलंब से चल रहा था और कुछ योजना नगर निगम के विलंब से चल रहा था उसी का समीक्षा कराते हुए समय फिक्स किए हैं सारे परियोजना 31 मार्च तक समाप्त कराने के लिए। और आज साइट में भी जाएंगे, कुछ जगह विजिट करेंगे, फिर मार्गदर्शन देंगे उसी पे। आए मॉडल रोड आप जानते हैं गोरखपुर में हम लोग जो गोलघर लेते हुए करीब 3 किलोमीटर का मॉडल रोड बना रहे हैं वहाँ, तो एक तो मल्टी लेवल पार्किंग की जगह तो सेलेक्ट कर लिए, बाकी 2 जगह और सेलेक्ट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जो गाड़ी किनारे हो जाए गाड़ी का खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए, उसी की तैयारी।